अब इसमें क्या बताया मैंने, इसमें दोनों बातें हैं, सफरा से भी हो सकता है, सफरा मुतफ़ैन होगा तो सफरा से भी हो सकता है, और बलगम मुतफ़ैन हुआ तो बलगम से भी हो सकता है। तो जब बलगम होगा, अगर उसका बलगम काज है तो क्या होगा, इसकी दौरे रोजाना आएंगे, और सफरा होगा तो तीसरे दिन आएगा, है ना, सफरा जो है तीसरे दिन आएगा। ये है आपके, किसका जिक्र हो गया, उम्मे गशिया का, दो चार बातें याद रखनी है बस, क्योंकि इतना ज्यादा है, दो चार बातें याद है तो काफी है। उम्मे मुख्तलता, मुख्तलता नाम से ही पता चल रहा है, मुख्तलता का क्या मतलब है, इख्तलाफ, है ना, डिफरेंट। उम्मियात मुख्तलता दरअसल बेकायदा बुखार होगा जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, है ना, जिसमें कोई पैटर्न नहीं होगा उसको हम उम्मियात मुख्तलता कहेंगे, बेकायदा बुखार। ये सवाल हमेशा आता है, एक एक वर्ड की चीजें हैं, बताएगा मुदस्सिर, बताएगा मुदस्सिर, लहपुरिया में क्या होता है, गर्मी अंदर होती है बाहर होती है, मुदस्सिर वेटिंग में क्या कर रहा है, मुदस्सिर अब ज्वाइन करें, फैसल, हाँ फैसल बताओ, अनम्यूट करके बताओ जरा, फैसल लहपुरिया में कौन बता सकता है जी सर, फैसल या, हाँ फैसल बताओ, एक क्या पूछा सर, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, तुम बता, तुम बताओगी हिना, यस सर, आप जी सर, आप क्या पूछे, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। लहपुरिया जो, लहपुरिया एक टाइप का बुखार है, ठीक है ना, यस सर, बताना है इसमें हरारत जो होती है, गर्मी जो होती है, वो बदन के अंदर होती है या बाहर होती है, बस इतनी बताना है। क्या था महसूस होता है, जो गर्मी है जिस्म के अंदर होती है और सर्दी जो है बाहर महसूस होती है। हाँ, गर्मी अंदर, सर्दी बाहर, अंदर सर्दी बाहर, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता हो जाए, लहपुरिया का जो बुखार होगा उसमें गर्मी जो है अंदर महसूस होगी और बाहर जो है सर्दी महसूस होगी, और अफियालूस में क्या होगा, अंदर सर्दी बाहर गर्मी, अंदर सर्दी बाहर गर्मी, इसका अपोजिट, अपोजिट हो जाएगा, हाँ। इनका इलाज क्या है, इन दोनों का इलाज है मुआजबा के उसूल पर, यानी कि मुआजबा के उसूल पर है, तो एक किसी टाइप का इसमें बलगम, अफियालूस हो या लहपुरिया हो, दोनों का इलाज मुआजबा के उसूल पर होता है, एकदम याद कर लेंगे क्योंकि सवाल आ सकता है। लहपुरिया और अफियालूस का इलाज मुआजबा के उसूल पर होता है, सेशन और रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन सकता है, है ना, सेशन मुआजबा के तौर पर होता है। और एक और बीमारी है, बीमारी क्या है, बुखार इन लो, अफियालूस लहपुरिया, इसमें क्या होगा, एक तो हो गया लहपुरिया, एक हो गया अफियालूस, और एक हो गया अफियालूस लहपुरिया, अल्लाह ही मालिक है किसको होता होगा, कौन फील करता होगा, अफियालूस और लहपुरिया में क्या होगा, अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्से में गर्मी और सर्दी दोनों का एहसास एक साथ होता है, दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है, अफियालूस और लहपुरिया अगर एक साथ होगा तो जाहिर सी बात है दोनों कैफियत अंदर और बाहर महसूस होगी, यानी कि अंदर ऐसा हो सकता है क्या, बदन के अंदरूनी और बैरूनी दोनों हिस्सों में सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास होता हो, सकता है ना, होने के लिए कुछ अलग अलग साइन सिम्टम आते हैं मरीज के, इसमें कोई शक नहीं है, फीवर का मरीज कई तरह के साइन सिम्टम लेकर के आता है, तो ये टिपिकल बुखार है, चाहे जिसको हम अगर मुख्तलता कह रहे हैं तो बेकायदा बुखार, अफियालूस कह रहे हैं अलग तरह का बुखार, लहपुरिया कह रहे हैं तो भाई अलग है, और अफियालूस कह रहे हैं तो अलग है, और अफियालूस लहपुरिया कह रहे हैं तो दोनों का ये अलग अलग है, दोनों जगह हो गया, ये बात हो गई। अब है आपका हुम्मे, आज नहीं पढ़ेंगे हुम्मे मुतबका सोनो खस, बस इतना बता दीजिए कि हुम्मे मुतबका जो हम लोग पढ़े थे उसका डिफिनेशन क्या था, ये किसका टाइप है, लाजमा का है कि दायरा का है, लाजमा का, वेरी गुड, वेरी गुड, लाजमा का है, किसको कहते हैं हुम्मे मुतबका, आज आप लोग को स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे, हाँ हुम्मे मुतबका किसको कहते हैं, मुदस्सिर, फीवर में चेंजेस कम रहेंगे, वेरिएशन हल्का रहेगा सर, तुम्हारा नाम मुदस्सिर है, सर कुछ बुखार तो रहेगा लेकिन हल्का कुछ कम होगा, मतलब ज्यादा उसमें गिरावट नहीं होगी बुखार के अंदर, वेरिएशन का पता नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हुम्मे मुतबका जो इतना उसका इतना हल्का होगा
तो उसका एहसास नहीं होगा, है ना। पित्रा जो है बहुत ही एहसास नहीं होगा, कम होगा तो कम होगा लेकिन उसको जरा सा भी एहसास नहीं होगा, हमेशा रहेगा, एक्स्ट्रा चला रहता है, उसी को हम मदबका कहते हैं, है ना, उसी को हम मदबका कहते हैं। अब उसके कई टाइप है, उस होम में मदबका की कई टाइप है जिसको हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे विद स्लाइड्स, है ना, कल पढ़ेंगे। फैसल,